ये बिल्कुल पागलपन भरी चुनौती है जो मैंने देखी है। एक पारदर्शी ताबूत में 7 दिन तक जिंदा दफन रहना, खाना पीना सब ताबूत के अंदर ही करना। आज कियानगे खुद इस अनुभव को महसूस करेंगे कि जिंदा दफन होना कैसा होता है। कियानगे की सुरक्षा के लिए जमीन पर 24 घंटे साथी पहरा दे रहे हैं और ताबूत के अंदर भी निगरानी हो रही है। 9 टन मिट्टी के पूरी तरह भर जाने के साथ ही चुनौती शुरू हो गयी। ऊपर के साथी मिट्टी को समतल करने में मदद कर रहे हैं। 7वें दिन तक टिके रहने के लिए कियानगे ने 7 दिन का राशन और जीवनोपयोगी सामान साथ लिया है, साथ ही एक बड़ी बोतल मिनरल वाटर। अगर टॉयलेट जाना हो तो वही निपटाना होगा। ताज़ा तैयार एक बड़ी बोतल पीना दे। इन 7 दिनों में सोने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि अंदर न फोन है न इंटरनेट, बस एक वॉकी टॉकी है बाहर से बात करने के लिए। कियानगे की सुरक्षा के लिए बाहर के साथी हमेशा पहरा दे रहे हैं। कियानगे के पूरी तरह समझाने से पहले ही साथी ने वॉकी टॉकी फेंक दिया। कियानगे अंदर बस लेटे रहते हैं, बोरियत में सोने के अलावा कुछ नहीं। जल्दी ही 2वां दिन आ गया। साथी लोग उठाने की सेवा भी देते हैं। जागने के बाद कियानगे ने अपनी पैंट को शॉर्ट्स में काटने का सोचा ताकि टॉयलेट जाना आसान हो। भूख लगने पर कुछ खा लेते हैं। बाहर के साथी स्टेक चलते हुए कियानगे को सांत्वना देते हैं। लंच के बाद कियानगे के साथी ने एक खोखली प्लास्टिक पाइप लाकर मिट्टी में डाल दी और वैक्यूम क्लीनर से मिट्टी निकालकर कैमरा अंदर डाल दिया ताकि कियानगे की हर हरकत देखी जा सके। रात में बोरियत में कियानगे ने सामान के डिब्बे को खोला और कली मम्मी की एक फोटो देखी। फोटो देखते ही कली का चेहरा उदास हो गया। कियानगे ने फोटो को अपने सीने पर रख लिया। 3वां दिन आ गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी। साथी लोग चिंतित थे कि कियानगे के साथ कुछ हो न जाए। उठने के बाद वे तुरंत कियानगे की स्थिति देखने आए, लेकिन कियानगे आराम से सो रहे थे। उन्हें जगाने के लिए साथी लोग बड़े स्पीकर लाए। अब कियानगे की नींद पूरी तरह उड़ गई। कियानगे के मन में जरूर गुस्सा आया होगा। शायद शोर की वजह से ताबूत का एक स्क्रू ढीला हो गया। साथी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस समय साथी लोग एक खुदाई मशीन लाए। वे ताबूत तक एक सुरंग खोदने की योजना बना रहे थे। वे स्पीकर के शोर से खुदाई की आवाज़ छुपाना चाहते थे। 4वां दिन आ गया। रात दिन की खुदाई के बाद 4वें दिन सुबह मिट्टी में एक सुरंग बन गई। वॉकी टॉकी से आवाज आई। कियानगे तुरंत उठकर देखने लगे। 4 दिन से किसी को नहीं देखा था। कियानगे बहुत उत्साहित थे। साथी के जाने के बाद कियानगे सो नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5वां दिन आ गया। साथी लोग कियानगे की कब्र पर रंग कर रहे थे। कियानगे बस किसी तरह सहन कर रहे थे। रात में साथी ने उन्हें बताया कि उनके फॉलोअर्स 2 करोड़ के करीब पहुंच रहे हैं। ये सुनकर कियानगे ने जोश आ गया। साथी ने उन्हें इंटरनेट से जोड़ा ताकि वे अपने फॉलोअर्स को देख सके। 2 करोड़ फॉलोअर्स होते ही ऊपर के साथी ने पटाखे तोड़कर जश्न मनाया और तुरंत इंटरनेट काट दिया। वॉकी टॉकी को भी गोल्फ बॉल की तरह उछाल दिया। इससे कियानगे की आंखों में फिर से आंसू आ गए। 6वां दिन आ गया। कियानगे का मन अब खुश नहीं था। इस सन और बंद जगह में रहने की इच्छा चरम पर थी। इस समय साथी ने उनके अच्छे दोस्त के माता पिता को बुलाया ताकि कियानगे से बात कर सके। बात करते करते अचानक वॉकी टॉकी टूट गया। पता नहीं क्यों 7वां दिन आ गया। आखिरी मिट्टी हटते ही कियानगे ने सूरज की रोशनी देखी। इस पल में वे खुद को रोक नहीं पाए। साथी ने ढक्कन खोल दिया और डॉक्टर ने अंदर जाकर स्वास्थ्य की जांच की। कियानगे ताबूत से उठ खड़े हुए, बस पैर थोड़े कमजोर थे। जब वे मिट्टी से बाहर निकले, उनके दोस्त पहले से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। एक तो 2 करोड़ फॉलोअर्स का मील का पत्थर और दूसरा इस चुनौती को पूरा करने का।